गाइस, माय नेम इज रोशनी शुक्ला, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अजियो विंटर वेयर हॉल। इस तरह की लॉन्ग वीडियो देखने का एक फायदा हो जाता है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चल जाती है, फोटो में जैसा दिख रहा है ओरिजिनल में वैसा है या नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये वर्थ इट है या नहीं है, काफी सारी चीजें पता चल जाती है इस तरह की लॉन्ग वीडियो में। तो वन बाय वन सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से परचेज कर सकते हैं। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू। वैसे तो इन दो पैकेट्स में मुझे सारे विंटर वेयर रिसीव हो गए हैं, तो वन बाय वन मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, ये सारी चीजें तो आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप इन्हें कैसे स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप मेरी ऐसी ही स्टाइलिश वीडियोस या फिर फोटोज देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं काफी सारी चीजें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। तो फर्स्ट जो जैकेट मैंने परचेज करी है ये पर्पल कलर में है। आजकल मुझे इस तरह के कलर्स काफी ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं क्योंकि आजकल इसी तरह के कलर्स ट्रेंडिंग में है। आप कोई सेटल सा या सिंपल सा कलर आजकल वेयर करेंगे तो काफी सिंपल लगेगा, बट इस तरह के कलर जो है वो काफी ट्रेंडिंग में है और मुझे लगता है ये ऑफिस के लिए भी चल जाते हैं। ज्यादा भी इतना कलर लाइट नहीं है, थोड़ा कैमरे पे लाइट लग रहा है बट कलर बहुत अच्छा, आंखों में ऐसे चुभने वाला कलर नहीं है। तो ये पर्पल कलर की मैंने जैकेट परचेज करी थी, ये क्रॉप जैकेट में है और मुझे इस तरह की क्रॉप जैकेट्स, टॉप्स, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है क्योंकि मुझे काफ़ी क्यूट लगता है और काफ़ी अच्छे से आपके बॉडी को हाईलाइट करता है और काफ़ी अच्छा लगता है मतलब इस तरह की जैकेट्स। तो मैं वैसे ज़्यादा भी अनकंफर्टेबल कपड़े आपके साथ शेयर नहीं करूँगी जिन्हें आप बिल्कुल पहन भी नहीं सकते। काफ़ी मीडियम टाइप का होने वाला है अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर ऐसे कहीं एरिया में रहते हैं जहाँ पे आप ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, तो ये सब कपड़े आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। तो फर्स्ट ये जैकेट मैंने परचेज करी है, इसकी स्लीव्स काफ़ी अच्छी है। वैसे मैंने सारे विंटर वेयर मीडियम साइज के मंगवाए हैं, इसके कपड़े मुझे काफ़ी अच्छे से आते हैं, हल्का सा मतलब लूज मुझे काफ़ी सही लगता है, मुझे एकदम फिटेड भी नहीं पसंद। तो ये सिंपल पर्पल कलर की जैकेट है, इस पर कैप भी दी गई है और ये पूरा चेन दिया गया है जिसे आप खोल बंद कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा सा कूल सा वाइब देगा। आप इसके नीचे कुछ भी सिंपल सा पहन लें, उसके ऊपर ये जैकेट डालें, काफ़ी अच्छा सा कूल सा लुक क्रिएट हो जाएगा। और नीचे भी काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया गया है, ये आई थिंक मैंने 600-700 में परचेज किया है। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने एक बहुत ही कूल और बहुत ही प्यारी जैकेट परचेज करी है, कुछ इस तरह के हाफ स्लीव्स में है और इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी फैशनेबल है आजकल, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला। इस तरह की हाफ स्लीव्स की पफ जैकेट बहुत अच्छी लगती है, सीरियसली अगर आप फैशन के साथ चलना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसी तरह की जैकेट्स वेयर करें, इसी तरह के कलर्स को स्टाइल करें, काफ़ी अच्छे से आप स्टाइल कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये कुछ हाई नेक टाइप का है जो कि बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है ये वॉर्म बहुत है, अगर आप कुछ हाफ स्लीव्स का ढूंढ रहे हैं कि स्वेटर्स के साथ पहनने के लिए या फिर कोई भी आउटफिट आपने क्रिएट कर लिया और सिंपल सा अलग सा लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरह की जैकेट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी इसकी क्वालिटी है, चेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी वार्म भी है। सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जाने वाली, आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहेगा। अगर आपकी बॉडी गर्म है तो गर्म रहेगी और बाहर जो ठंडा है वो ठंडा रहेगा। देख सकते हैं इसके साथ भी कितने अच्छे से स्टाइल किया जा सकता है और ये काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया है। पॉकेट्स भी दी गई हैं, इस तरह की छोटी छोटी पॉकेट्स भी इसके साथ हैं जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे तो इसमें पता नहीं है प्राइस टैग का समथिंग सा निकला है बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी वार्म रखने वाला है आपको। तो मैं अगर इसे रेट करने की बात करूँ इसके प्राइस के अकॉर्डिंग और इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो मैं इसे रेट करूँगी 10 out of 9.5। हाफ नंबर तो कटने बंद है क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो हाफ नंबर इसीलिए। बाकी ये वाली जैकेट आई थिंक 700-800 की है, एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, वहाँ पे आप एग्जैक्ट प्राइस देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगा। जो मैंने थर्ड विंटर वेयर मंगवाया है वो मैंने मंगवाया है बॉयज़ सेक्शन से, क्योंकि बॉयज़ सेक्शन में काफ़ी अच्छी हुडीज़ मिल जाती हैं। अगर आप थोड़ा ओवर साइज हुडी ढूंढ रहे हैं और आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है या आपका हस्बैंड या फिर आप
सिंगल हैं बेसिकली, तो आप बॉयज सेक्शन से खुद के लिए, खुद को पैम्पर करने के लिए इस तरह की हुडीज परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी मिलती है। और सच बता रही हूँ, मैं सब जगह एक्सप्लोर करके आई हुडी, उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, 1000-2000 है, क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है। मैं सरोजनी नगर गई थी स्पेशली, वहाँ पर इस बार हुडी के लिए गई थी, बट मुझे इतनी हुडी पसंद नहीं आई क्योंकि प्राइस रेंज तो ज़्यादा था ही, मतलब 1000-1500 के अंदर, और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, और मुझे जैसा प्रिंट चाहिए था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो मुझे वो मिली अजियो से, इस तरह का इस पर पीछे प्रिंट दिया गया है, प्रिंट भी बहुत ही प्यारा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था 600-700 में मुझे इतनी प्यारी हुडी और इतनी अच्छी क्वालिटी की अजियो पे मिल जाएगी। वैसे अजियो की एक बात अच्छी है, वहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कपड़ों की, फुटवेयर की, शूज़ की, मैंने अभी तक जो भी परचेज़ किया है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मैंने परचेज़ किया है। तो ये हुडी ओवर साइज हुडी मैंने परचेज करी है, मैंने वैसे स्मॉल साइज में परचेज, क्योंकि वहाँ पे जो मॉडल का साइज था वो 6 feet था और मेरी हाइट तो 5'3" है, 5'3" समथिंग है, तो मेरे लिए स्मॉल ही एकदम परफेक्ट है, तो मैंने स्मॉल साइज में मंगवाया। बाकी आप और भी ओवर साइज मंगवाना चाहते हैं तो आप मीडियम में मंगवा सकते हैं, मीडियम भी काफ़ी अच्छा सा ओवर साइज आ जाएगा, बट मेरे लिए स्मॉल भी काफ़ी ओवर साइज है। तो ये इस तरह की हुडी है, काफ़ी प्यारी हुडी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्लीव्स भी बहुत प्यारी है। मेरे लिए ये मैटर करता है कि स्लीव्स में इस तरह की चीज़ें लगी हों ताकि ये थोड़ा मतलब स्ट्रेचेबल सा रहे, ऐसा ना हो कि पूरा खिसक के आपके हाथों के नीचे आ जाए, गंदा होने लगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ और मुझे चाहिए होता है कि चीज़ें थोड़ी इस टाइप की हो ताकि मेरे कपड़े खराब होने से बच जाएं। तो ये इस तरह का इसमें मटेरियल लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। बाकी इसकी कैप बहुत प्यारी है, आगे कुछ इतना खास प्रिंट नहीं है बट पीछे काफ़ी अच्छा प्रिंट दिया गया है तो काफ़ी कूल है, आप पीछे से भी फोटो ले सकते हैं, आप थोड़ा एस्थेटिक वाली फ़ोटोज़ ले सकते हैं इसके साथ, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और बहुत ही वार्म है। वैसे तो मैं बोल रही थी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसे 10 out of 10 नहीं दिया जा सकता है, बट इसके प्राइस और क्वालिटी और इसका जो प्रिंट है उसकी वजह से मैं इसे 10 out of 10 देना चाहूंगी। मैंने लास्ट आइटम अजियो से परचेज किया, ये बाइकर शॉर्ट्स और हुडी परचेज करी है जो कि मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में पड़ी है। अगर आप इस तरह का 2 set में कुछ भी परचेज कर रहे हैं, कहीं से भी परचेज कर रहे हैं, मैं गारंटी दे 2000 से अंडर कहीं नहीं मिलेगा, 1500-2000 के अंडर ही, 924 समथिंग का है और काफी रीजनेबल प्राइस में है। मुझे इसका प्राइस अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया जो आपके साथ मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप जाके वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको काफी कूल वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ तो साइड में मैं वीडियो लगा ही दूंगी तो आपको दिख जाएगा, बट वहाँ भी आप मुझे प्लीज फॉलो कर लेना। ये बाइकर शॉर्ट्स हैं जो कि मुझे रिसीव हुए इस तरह के लाइट ग्रीन कलर में है, बहुत ही प्यारी इसकी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है। ये भी मैंने मीडियम साइज में ही मंगवाया है और काफ़ी ज़्यादा वार्म है। अगर आप थोड़ा सा कूल आउटफिट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप कहीं मॉल जा रहे हैं या कहीं भी बाहर वेकेशन पे जा रहे हैं तो इस तरह के बाइकर शॉर्ट्स और हुडीज आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट्स पहने नीचे से आपको ठंडी लगे, इस तरह की लेगी भी परचेज कर सकते हैं जो नीचे से आपको वार्म रखे, या आप लॉन्ग सॉक्स पहन सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन। ये भी एकदम ओवर साइज की हुडी है, ग्रीन कलर की, सिंपल ग्रीन है, कोई इस पे प्रिंट नहीं दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा वार्म है। अंदर से जिसकी क्वालिटी है वो कुछ इस तरह के बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है तो काफ़ी वार्म रखने वाली है ये आपको, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। इसकी स्लीव्स भी बहुत प्यारी हैं, स्लीव्स भी लॉन्ग सी हैं और आप इसे जीन्स के साथ, बाकी चीज़ों के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, स्कर्ट के साथ, जीन्स के साथ, या फिर ट्राउजर्स के साथ, या फिर जॉगर्स के साथ, हर किसी के साथ इसे बहुत ही इजीली स्टाइल किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रिंट नहीं है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, तो ये दोनों पेयर काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला। अगर इसको रेट करने की बात आए तो मैं इसे रेट करूँगी 10 out of 8। 8 इसलिए क्योंकि अगर ये बाइकर शॉर्ट्स इतने छोटे ना होते, थोड़े लॉन्ग में जॉगर टाइप्स के होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे लास्ट में ये क्यूट सा पिंक एंड रेड कलर का कार्डिगन रिसीव हुआ है, जा रहा है इसमें, आई थिंक आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा वार्म है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, आपको पर्सनली बहुत पसंद आएगा, तो काफ़ी अच्छा सा है, ये कोई भी पहन सकता है, काफ़ी अच्छे से स्टाइल कर सकता है। आई थिंक मैंने 500-600 में ही परचेज किया है तो आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ही मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करने में बोले थैंक यू, बाय।